नमस्कार, फूड गुरु टू से आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो चलिए आज हम बनाते हैं 10 तरह के स्प्राउटेड से बनी हुई सब्जी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। रोज़ यही सवाल होता है क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, तो इस तरह से एक हफ्ता आप अलग अलग स्प्राउट्स भिगोइए, उन्हें स्प्राउटेड कीजिए और उसके बाद ये सब्जी बनाइए। देखिए बहुत ही ताकतवर है, हेल्दी है। तो चलिए अब हम किस तरह बनाएंगे आपको बताते हैं, और साथ ही साथ हम बताते हैं कि हमने कौन कौन से स्प्राउट्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, यह है वाल स्प्राउटेड, यह राजमा है, यह है अखे मूंग, घोल मूंग है, यह हरे चने हैं स्प्राउटेड, यह बीन्स है चवली, यह अखे मसूर है होल मसूर, यह हरे बटाने हैं, यह मटकी है, यह सफ़ेद बटाना है, और यह लाल चने हैं स्प्राउटेड। तो इस तरह से हमने 10 प्रकार के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या करना है। चलिए, हमने ऑलरेडी कुकर गर्म होने को रखा था, कुकर गर्म हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिए, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, कम ऑयल में भी बहुत बढ़िया बन जाती है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसी के साथ हमने ये जो बारीक चॉप हमने एक बड़े साइज का ऑनियन रखा है वो डाल देते हैं पूरा का पूरा इसके अंदर, और इसे ना हम एक मिनट तक ब्राउन होने तक चला लेते हैं। देखिए हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी स्टेज पे हमने जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट है, जो हमने आसपास 2 चम्मच के आसपास रखी है, यह पूरी की पूरी इसके अंदर छोड़ देते हैं। अब इसे हल्का से चलाएंगे। इसी के साथ हमने क्या करना है, ये हमने थोड़ा सा नारियल, हरी मिर्च, हरा धनिया, इसकी पेस्ट बनाई हुई है, ये भी इसके अंदर छोड़ देते हैं पूरी की पूरी पेस्ट इसके अंदर, और इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह चला लेते हैं। देखिए ये हमारा बहुत अच्छी तरह भून के हो गया है। अभी स्टेज पे हमने 2 टमाटर की प्यूरे बना के रखी है, इसे भी डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट तक चला लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह भून के हो गया है, इसके ऊपर से ऑयल छूटने लग गया है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने ये मसाले कुछ रखे हैं, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है, तीखा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और नमक, ये सारे के सारे हमने इसमें डाल देने हैं और हमने इसे 2 मिनट तक और अच्छी तरह से चला लेना है। हमारा मसाला बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमारे जो स्प्राउट्स है उसे एक एक करके हम इसके अंदर छोड़ देते हैं। इस तरह से सारे के सारे स्प्राउट्स हमने इसमें डाल देने हैं सब्जी के अंदर। बहुत ही बढ़िया मसाले का आरोमा आने लग गया है, मसाला बहुत अच्छी तरह से भून के रेडी हो गया है। ये हमने डाल दिए है, इसे हमने थोड़ा चला लेते हैं। देखिए दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो बहुत ही यम्मी बनती है सब्जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर पतला ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा डालिए, थिक ग्रेवी चाहिए तो कम डालिए। हम थोड़ा इसका मीडियम थिक ग्रेवी बनाएंगे, तो बस इस तरह मिक्स करिए। बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया मिक्सिंग। अब क्या करना है, स्टेज पे हमने कुकर लगा के इसे 2 से 3 सीटी लगानी है बस, फिर ये रेडी हो जाती है। चलिए चेक करते हैं, हमारी सीटियाँ लग चुकी है, करीबन हमने 3 से 4 सीटियाँ लगा ली है। ये हमारी बहुत ही बढ़िया स्प्राउटेड सब्जी बन के रेडी हो गई है। चलिए हम इसे चेक करते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया बन गई है, ये पूरी तरह रेडी हो गई है। हल्का सा धनिया ऊपर डालते हैं और फिर से इसे मिक्स कर देते हैं। ये पूरी तरह से रेडी है, खाने के लिए बहुत ही अच्छा आरोमा आ रहा है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए हम इस तरह से इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, गर्मा गर्म, भरपूर प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिशियस हमारी 10 टाइप्स के 10 तरह के स्प्राउट से बनी हुई सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इस तरह से हम इसे सर्व कर देंगे एक बाउल के अंदर। बहुत ही बढ़िया, ये हमारी स्प्राउटेड सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब हमने इस स्टेज पे इसके ऊपर क्या करना है, हरा धनिया डाल देना है काफ़ी सारा, जिसका आरोमा बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में इस तरह से। अब ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं, भाकरी से खा सकते हैं, या ब्रेड से भी खा सकते हैं। आप खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी हेल्दी सब्जी। तो चलिए एक और वीडियो के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।